क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत जी भी हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हरियाणा शिक्षा के स्तर में सही जा रहा है, स्तर ऊपर उठ रहा है, आपको लग रहा है? मैंने देखो अभी मोर देन 12 इयर्स कंटिन्यूअसली हरियाणा में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ का। मैंने आपने केरल का रेफरेंस भी किया, तो आई थिंक आई एम क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दैट। वहाँ खाली स्कूलिंग लेवल तक ठीक है, हायर एजुकेशन में इवन टुडे केरला कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद हरियाणा। हरियाणा बहुत आगे है, मैं कैसे है बात करेंगे। और मैं लास्ट 5 years or 8 years में क्या मेन डिफरेंस देखा स्पेशली हरियाणा के लिए, हमारा बच्चा बहुत आगे गया, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। और हमारे संस्कृति पर, कल्चर पर हर बंदे का फीलिंग ज़्यादा बढ़ गया। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताएंगे, 2 साल पहले माननीय पूर्व मंत्री जी रामविलास जी हमें लेके लंदन गए थे, यूके में। वी विजिटेड मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज। सो उस दिन माननीय मंत्री जी को स्पेशली बुलाया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, इवनिंग हम भी गए थे साथ। मंत्री जी मैं वही बात करता हूँ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपको बुलाया था, हमें भी लेके गया था। वहाँ मंत्री जी ने एक भाषण दिया उस दिन, वो इतना बढ़िया भाषण था। उसके बाद वहाँ का आई थिंक ऑलमोस्ट एज ऑफ नाउ 44 MP ने उसमें साइन किया, ये जालियनवाला बाग में क्या गलती किया, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया आज के दिन में। वो भारत में एक जगह से एक आदमी किया तो हमारा हरियाणा से, दिस इज़ वन साइड। इस पे क्या है, हमारे संस्कृति के बारे में हमारा सोच बाकी सब बहुत आगे बढ़ा। और मैं आपको बताएंगे, आप एम्प्लॉयमेंट का बात पूछा, आपका सोनीपत में ही है डीक्रस मूर्थल यूनिवर्सिटी, यहाँ लास्ट ईयर हाईएस्ट सैलरी ऑफर 69 लाख था पैकेज। अमेजोन ने हमारा एक फार्मर का बच्चे को यहाँ से रिक्रूट किया, आज वो बर्लिन में काम करता है, 1.5 करोड़ एक साल के बाद उनका पैकेज। पहले हमें ये सब सोच नहीं सकता था। इस साल में मेरा यूनिवर्सिटी में, मैं आपको लिस्ट दिखाएंगे, मोर देन 25 स्टूडेंट्स को 25 लाख के ऊपर सैलरी ऑफर है, उसका लेवल उतना बढ़ गया। और दूसरी चीज़, हरियाणा का लड़की आज के दिन में बहुत आगे है कंपेयर टू एनी अदर प्लेस। सेक्स रेशियो में भी आपको मालूम है 1000:1032 हो गया हम। और यहाँ मेरा मन में ऐसा ये फीलिंग है, हमें अभी हम ये बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके जगह पे हम बोलना चाहिए बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। हरियाणा का सारा बेटे बहुत अच्छे पढ़ती है, लेकिन अभी तो लिंगानुपात में सुधार भी आया है। हरियाणा की जो स्थिति है, जो पहले एक दाग था आपने लिंगानुपात का, तो अब तो बेहतर हुआ, पहले से थोड़ी सोच बदली, आपको नहीं लग रहा है? मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब बेटी बच रही है, अब स्थिति बेहतर हुई है इस मामले में? नहीं, ऐसा नहीं है जी, बिकॉज व्हाट आई मेंट बाय दैट, हमारा बच्चा सही एजुकेशन हो गया तो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम नाउ, बिकॉज बेटी बहुत आगे है आज हरियाणा में। सो एनी सोसाइटी में बेटी आगे है तो उसका मीनिंग है उसका कल्चर बहुत आगे है। आप भारत का चारों साइड में देखो कहाँ कहाँ लेडीज को रिस्ट्रिक्ट किया है, वो सब सत्यानाश हुआ है, यही है। और हमारा संस्कृति में आपको मालूम है, एजुकेशन में पूर्व मुख्य एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बताया भी है, भगवत गीता हमने लाया, वो एक रिलीजन का बात ही नहीं है। हम क्या बोलता है, तत्कर्म यन्न बंधाया सा विद्याय विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यन्य शिल्प नैपुणम। उसका मीनिंग यही है, वो एजुकेशन हमें ये बंधन से विमुक्ति नहीं करता तो वो एजुकेशन को पर्पस ही नहीं है। आज हरियाणा में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक सारा सिलेबस कंटेंट टीचिंग मेथडोलॉजी इन लाइन विथ NEP 2020 में एक ही फोकस है, लिबरेशन, थॉट में लिबरेशन।